आज की इस कक्षा में हम प्रश्नावली 14.1 के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। यह पाठ है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, अर्थात त्रिभुज और इसके गुण। तो प्रश्न संख्या एक है, दी गई आकृतियों में बाह्य कोण x का मान ज्ञात कीजिए। ये जो x है ये बाह्य कोण है और ये दोनों कोण अंतः अभिमुख कोण है। तो हम जानते हैं कि अंतः अभिमुख कोणों का योग बाह्य कोण होता है, अर्थात जिसको यूं कहें कि बाह्य कोण जो होता है दोनों अंतः अभिमुख कोणों के बराबर होता है। प्रश्न संख्या एक का ये वन, चूंकि बाह्य कोण बराबर दोनों अंतः अभिमुख कोणों का योग। इसलिए तो बाह्य कोण हमारा क्या है, x है, और अंतः अभिमुख कोण है 50 डिग्री और 50 डिग्री। ये 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री, तो ये कितने हो गए 100 डिग्री। तो हमारा x का मान यहां निकल गया 100 डिग्री। ठीक इसी तरह से आप यहां देखें दूसरे नंबर में, ये 50 और 25 ये हो जाएगा 75 डिग्री। यहां कितना हो जाएगा 135 डिग्री, इनको जोड़ दीजिए 90 और 45 को 135 डिग्री। ये वाला x जो है बाह्य कोण, इन दोनों को जोड़ दीजिए 70 डिग्री और 35 डिग्री, तो 105 डिग्री। यहां 60 डिग्री और 60 डिग्री, ये x का मान हो गया 120 डिग्री। यहां 50 डिग्री और 60 डिग्री, तो x का मान हो गया 110 डिग्री। प्रश्न संख्या दो, दी गई आकृतियों में अंतः कोण x का मान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न बना रहे हैं, दो का पहला। हम लोग जानते हैं कि दोनों अंतः अभिमुख कोणों का योग बराबर होता है बाह्य कोण, इसलिए यहां दोनों अभिमुख अंतः कोण कौन सा है, ये x और 70 डिग्री, तो अर्थात ये हो जाएगा x प्लस ये 70 डिग्री बराबर 115 डिग्री। तो ये समीकरण हमें मिल गया है, इसे हल करेंगे। दोनों ओर यानी बाएं पक्ष और दाहिने पक्ष में हम 70 डिग्री माइनस कर देते हैं, तो ये हमने बायां पक्ष में माइनस किया और ये दाहिना पक्ष में माइनस किया, तो यहां प्लस 70 डिग्री और माइनस 70 डिग्री ये कैंसिल हो गया, तो हमारा x का मान आ गया 45 डिग्री। तो यहां पर हमारा x हो गया 45 डिग्री। ठीक इसी तरह से हम यहां भी निकाल लेंगे, 135 से 80 घटाइए, ये हमारा आ गया 5 से 0 5 और 13 से 8 5 यानी 55 डिग्री। यहां भी हमारा हो जाएगा ये 90 डिग्री है, तो यहां से 45 डिग्री हम घटा दें तो ये 45 डिग्री आ गया। अब यहां देखें इसका अंतः अभिमुख कौन सा है, ये x है और ये 90 डिग्री है, चूंकि ये समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री, तो ये आप देखें ये 160 से हम अगर 90 घटाते हैं तो कितना आता है 70 डिग्री,
तो ये हमारा x का मान हो जाएगा 70 डिग्री। अब यहां देखिए 70 से 35 घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 35 डिग्री, और यहां 140 से 30 घटाइए तो 110 डिग्री। प्रश्न संख्या 3, इन प्रश्नों का उत्तर हां और नहीं में दीजिए। पहला प्रश्न है, क्या किसी त्रिभुज के दो समकोण हो सकते हैं? हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में तीन कोण होते हैं और तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अगर दो समकोण होंगे तो दो ही समकोण में तो 180 डिग्री हो जाता है, अतः यह इसका आंसर होगा नहीं। दूसरा है, क्या किसी त्रिभुज के दो अधिक कोण हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि दो अधिक कोण होंगे तो मान लीजिए 100 डिग्री और फिर 100 डिग्री, दो ही कोण में हो गए 200 डिग्री, तो हमारा तीनों कोणों का योग तो 180 डिग्री आता है, तो यह संभव नहीं है। क्या किसी त्रिभुज के दो न्यून कोण हो सकते हैं? हां, ये हो सकते हैं। क्या किसी त्रिभुज के सभी कोण 70 डिग्री से अधिक हो सकते हैं? अगर मान लीजिए 70 डिग्री भी है तो 70 डिग्री जोड़ 70 डिग्री जोड़ 70 डिग्री, तो ये कितना हो गया? 210 डिग्री। लेकिन हमारे तीनों कोणों का योग तो 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता है। पांचवा नंबर है, क्या किसी त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री से कम हो सकते हैं? चलिए मान लेते हैं कि 60 डिग्री से कम है तीनों, तो कितने 50-50 मान लेते हैं, 50-50 और ये भी 50 ही मान लेते हैं। चलिए तो ये कितना हो गया है? 150 डिग्री। ये तो 180 से कम हो गया ना, तो हमारे तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, तो यह इसका आंसर होगा नहीं, ऐसा संभव नहीं है। प्रश्न संख्या 4, सही कथन के आगे सही एवं गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाइए। पहला है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण अलग अलग माप की होती है। समबाहु त्रिभुज की परिभाषा ही से ही हम जानते हैं कि इसके तीनों कोण बराबर होते हैं, अर्थात तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं, तो यह गलत है। समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजा के सामने का कोण समान होता है, ये सही है। तीसरा है, समकोण त्रिभुज में कोई दो कोण 90 डिग्री हो सकता है? नहीं, ये गलत है। समकोण त्रिभुज में सिर्फ एक ही कोण 90 डिग्री का हो सकता है। चौथा है, अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री भी हो सकता है? नहीं, अधिक कोण त्रिभुज में बाकी दो कोण जो होंगे वो न्यून कोण होंगे। अगर अधिक कोण में एक कोण 90 डिग्री हो जाएगा तो ऐसे ही वो 180 डिग्री से ज्यादा होता है ना, तो ये गलत। पांचवा है, समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होगा? हां, समकोण में दो, बाकी दो न्यून कोण ही होगा। प्रश्न संख्या 5, रिक्त स्थानों को सही उत्तर से भरिए। पहला प्रश्न है, समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का योग खाली स्थान होता है। एक ये हम समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, मान लीजिए ये, मान लीजिए कि हमारा समकोण त्रिभुज है,
तो ये वाला कोण हमारा 90 डिग्री है। तो इन दोनों कोणों का योग क्या होगा? ये दो न्यून कोण है, इनका योग क्या होगा? तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और ये 90 डिग्री है, एक कोण तो 90 डिग्री होगा समकोण में, तो बाकी दो जो कोण है उनका योग क्या हो जाएगा? 180 से 90 घटाए तो 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। अब दूसरा है, किसी समकोण त्रिभुज का बाह्य कोण खाली स्थान अंतः कोणों का योग के बराबर होता है। यहां कोई भी बाह्य कोण हम ले लेते हैं ऐसा, ये तो हम परिभाषा बाह्य कोण की परिभाषा से ही जानते हैं कि ये दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, तो यहां होगा 2। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक न्यून कोण होता है। ये मान ले रहे हैं कि हमारा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये 90 डिग्री है और ये भुजा बराबर है, क्योंकि ये समकोण भी है और समद्विबाहु भी है। तो ये चूंकि 90 डिग्री है तो इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा, और चूंकि हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के जो आधार के कोण है, ये जो कोण होंगे इनके सामने के कोण, ये बराबर होते हैं, अर्थात हम 90 में 2 से भाग दे देंगे तो हमारा आ गया 45 डिग्री। तो प्रत्येक कोण जो होगा ये होगा 45 डिग्री का। अब है चौथा, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण खाली स्थान होता है। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर होता है, और किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो जब तीनों कोण बराबर होगा तो हम 3 से भाग देंगे 180 में, तो ये आ जाता है 60 डिग्री, तो ये होगा 60 डिग्री। अब पांचवा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर कोणों में से एक कोण 45 डिग्री है, तो उस त्रिभुज का बाह्य कोण क्या होगा? 90 डिग्री होगा।